अगर आप बहुत ज्यादा दयावान हैं, राह चलते किसी भी मजबूर व्यक्ति को देखकर उस पर दया आ जाती है और आप उसकी मदद करने फौरन चले जाते हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने कहा है कि हमारे घर में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिसे दूसरों को देने से भयंकर गरीबी आती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको घर में मौजूद ऐसी 7 चीजों के बारे में बताएंगे जिसे भूलकर भी किसी को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, दान करना और दूसरों की मदद करना बेहद पुण्य का काम है और हमें शुरू से ही ये सिखाया भी जाता है कि हमेशा जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। लेकिन दूसरों की मदद में हमेशा ये ध्यान रखना भी चाहिए कि इस मदद से आपका क्या नुकसान होने वाला है। दरअसल कृष्ण जी के अनुसार महिलाओं के गहने, झाड़ू, सफेद चीजें और बेलन को कभी भी दान में नहीं देना चाहिए। तो आइए जानते हैं किन किन वस्तुओं का दान करना खराब माना गया है। नंबर 1, झाड़ू। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि झाड़ू घर की लक्ष्मी होती है। दिवाली और धनतेरस जैसे त्योहारों पर इसकी पूजा भी की जाती है। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ये स्वच्छता और समृद्धि की निशानी है। इसी से हम पूरे घर की सफाई करते हैं। ये नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर करती है, इसलिए कभी भी अपने घर की झाड़ू दूसरे व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि झाड़ू के साथ ही घर की सुख शांति भी बाहर चली जाती है। नंबर 2, पत्नी के गहने। महिलाओं और गहनों को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि महिलाएं जब भी गहने खरीदती हैं, तो वो सबसे पहले माँ लक्ष्मी की उपासना करती हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी को गहनों से काफी प्रेम है। आपकी पत्नी के गहने आपकी सफलता और समृद्धि के प्रतीक भी माने जाते हैं, इसलिए कभी भी घर की महिलाओं को गहने नहीं बेचने चाहिए, ना ही इसे दान करना चाहिए। खासकर महिलाओं को अपने मंगलसूत्र और पैर में पहने जाने वाली बिछिया को भूलकर भी किसी को नहीं देना चाहिए। इससे घर की बरकत और सौभाग्य दूसरों के यहाँ चला जाता है। नंबर 3, सफेद चीजें। दोस्तों, आपने कई बार घर के बड़े बुजुर्गों को ये कहते सुना होगा कि शाम के वक्त किसी भी चीज का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि शाम के समय घर में माता लक्ष्मी का वास होता है और इस दौरान घर से निकली चीजों के साथ माता लक्ष्मी भी चली जाती है। खासकर शाम के समय दूध, आटा, चीनी, दही, चावल और नारियल जैसी सफेद चीजें किसी को भी नहीं देना चाहिए। अगर आपके भी पड़ोसी रोजाना शाम के समय दूध चीनी मांगने आते हैं, तो जरा उन्हें प्यार से समझाएं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार सफेद चीजों से बुरी नजर बहुत जल्दी लग जाती है, इसलिए शाम के बाद ये चीजें दान करने से बचें। नंबर 4, पैसे उधार न दें। माता लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। जिस घर में पैसे बचाए जाते हैं, उस घर में लक्ष्मी बचाई जाती है। इसलिए अपने घर की तिजोरी में रखा हुआ पैसा या पत्नी द्वारा पाई पाई जोड़कर बचाया गया पैसा किसी को भी उधार में या दान में ना दें। खासकर किसी त्योहार के दिन तो भूलकर भी किसी को पैसे ना दें। इससे धन में रुकावट आ जाती है और घर की वृद्धि भी रुक जाती है। नंबर 5, चकला, बेलन और तवा। अक्सर आपने देखा होगा कि खाना खाते समय कुछ लोग पहला निवाला भगवान को देते हैं या भगवान को याद करके पहला निवाला खाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि खाने से पहले व्यक्ति भगवान को धन्यवाद कहता है कि आपकी कृपा से मुझे खाना मिल रहा है। ऐसे में आपके रसोई घर में मौजूद खाना बनाने का सबसे जरूरी साधन चकला, बेलन और तवा किसी को भी दान नहीं करना चाहिए, ना ही अपने पैसों से खरीद कर गिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि तवे पर बनाई जाने वाली पहली रोटी माता लक्ष्मी के नाम की होती है। ऐसे में जो लोग इन चीजों का दान करते हैं, उनके घर से लक्ष्मी और आपका भाग्य दोनों ही चला जाता है। लेकिन अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं और ये बहुत जरूरी है, तो आप बाजार से खरीद कर दान कर सकते हैं। भूल कर भी अपने रसोई घर की चीजों को दान न करें। नंबर 6, नुकीली वस्तुएं। नुकीली वस्तुएं जैसे चाकू, कैंची और तलवार को कभी भी दान नहीं करना चाहिए। ज्योतिष विद्या में ऐसा करना नुकसानदायक बताया गया है। माना जाता है कि नुकीली वस्तुओं का दान करने से परिवार की सुख शांति भंग होती है। इसके अलावा घर के सदस्यों के बीच तनाव बढ़ने के साथ और रिश्ते खराब होने लगते हैं, साथ ही बिजनेस में भी नुकसान होता है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने घर की सुख शांति बनाए रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको हमेशा यश और तरक्की मिले, तो भूलकर भी इन 6 चीजों का दान ना करें।